हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको मैं सारे डिटेल्स बताता हूँ कि लास एंड शिरजूज में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं होता है लास एंड शिरजूज में, बट आपको जो भी कॉमन डिफरेंसेस होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो ये है मेरे पास लासा का पपी, 4 मंथ्स इसकी एज हो गई है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फर्क होता है लास एंड शिरजू में। पहला तो होता है ये फेस का, हरदम ध्यान रखिए, फेस जो रहता है शिरजू का, जो फेस होता है वो पंच फेस होता है, और लासा का थोड़ा सा मजल बाहर की तरफ होता है। आपको मजल आपको कैसे नापना है आपको आइडिया में बता देता हूँ। अगर आपको देखना है कभी मदर फादर, अगर आपने देखे होंगे लासा या शिरजू के, अगर देख के रहते हो तो ये जो नोज पॉइंट होता है ना, ये वाला शिरजू का सिर्फ एक उंगली का गैप रहता है, जैसे इसमें 2 उंगलियों का गैप है ना, तो शिरजू में सिर्फ एक उंगली का गैप रहता है। मजल अगर आपको नापना है तो ये मजल सिर्फ एक उंगली का गैप आना चाहिए, सिर्फ ऐसे आना चाहिए आगे की तरफ नोज। और दूसरा, जो शिरजू के कान हेयर होते हैं वो काफी हैवी होते हैं लासा के मुकाबले, लासा के हेयर कम होते हैं शिरजू के मुकाबले। जो फर होता है स्किन के ऊपर भी, शरीर के ऊपर भी, वो शिरजू का ज्यादा होता है और लासा का थोड़ा कम होता है। और जो बोन साइज है, लासा का साइज शिरजू के साइज से बड़ा होता है और शिरजू का साइज छोटा होता है लासा से। और लासा जो ब्रीड है वो शिरजू से ज्यादा एक्टिव होती है शिरजू के मुकाबले। और जो इनमें जो प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, तो शिरजू के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं रखने के रिगार्डिंग, और लासा ब्रीड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप इजीली इनको बहुत आराम से और बहुत प्यार से रख सकते हो। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, शिरजू का जो फेस होता है उसकी आईज और नोज से रिंकल्स होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे उसका मॉइस्चर बनने लगता है, आईज से जो पानी निकलता है, आँखों से जो पानी निकलता है, उसकी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। प्लस जो शिरजू के जो नीचे के जो लिप्स होते हैं, यहाँ पे रिंकल होता है, रिंकल होने की वजह से उनका बैंड रहता है, जिसकी वजह से जो उनके माउथ से जो झाग निकलता है या राल निकलती है वो वहाँ पे आके रुकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी उनको फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं, जहाँ पे उनको बहुत बार कीड़े भी लग जाते हैं आईज पर भी और लिप्स पर भी। ये आपको पता नहीं चल पाएगा जब लग जाएंगे, इसलिए हरदम जो भी शिरजू अपने पास रखते हैं हरदम उनकी आईज और अपने नीचे से लिप्स इनके जरूर चेक किया करें आप। और ये देख सकते हैं मेरा 4 मंथ का लासा है, जबकि शिरजू का साइज छोटा होता है लासा के मुकाबले। और तो आपको जो जरूरी पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता भी दिए। और जब भी आप कोई भी पपी लेने जाते हो शिरजू में, अगर आपको कैसे नोटिस करना है कि वो ओरिजिनल है या मिक्स है, जब भी आप ऐसे फेस सामने से देखोगे, अपना रख के सामने से आप देखोगे ऐसे, तो उस शिरजू का फेस हरदम आपको राउंड दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा, और जो लासा का जो फेस है वो आपको बाहर की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा बाहर की तरफ आपको दिखाई देगा उसमें ऑटोमेटिकली जब भी आप पप्पी लेने जाते हो। तो ये देख सकते हैं, आपको मैंने साइड से भी दिखा दिया है। और जो शिरजू का जो हेड साइज होता है, जो ऊपर से होता है, ये ब्रॉड होता है काफी, और जो लासा का होता है ये थोड़ा पतला होता है यहाँ से। तो हरदम ध्यान रखिए, जब भी आप कोई शिरजू का पपी लेना चाहते हो तो मदर फादर हरदम देख के लीजिए, क्योंकि शिरजू में काफी ज्यादा तक हद तक फ्रॉड होता है, सब लासा के बच्चे ही शिरजू कह के सेल आउट करते हैं। मेरे पास काफी मैसेज आते हैं इसके रिगार्डिंग्स, अभी भी बीच में रिसेंट आया हुआ था मैसेज एक भैया का कि उनको भी मदर लासा के बच्चे शिरजू कह के सेल आउट कर दिए हैं। तो हरदम ध्यान रखें और थोड़ा पेशेंस से हरदम ब्रीड्स को खरीदें। जब भी आप कोई डॉग खरीदते हो तो थोड़ा पेशेंस रखें, अच्छे से उसके बारे में वेरीफाई कर ले, जांच कर ले कि हाँ ये ओरिजिनल ब्रीड है या नहीं, उसी के बाद हरदम बाय करें। और अगर कोई भी भाई इस लासा में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये लासा भी मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है। इसका 22,000 प्राइस है, 4 मंथ्स इसकी कंप्लीट हो गए हैं और वैक्सीनेशन फुल कंप्लीट है और फुल्ली एक्टिव हेल्थी है, भालू जैसा बच्चा है। अगर किसी को शौक हो भालू पालने का
तो वो इसके लिए जा सकते हैं, काफी हैवी और काफी बल्की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको बात करनी हो तो मुझे रात के 9 से 10 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। दिखा रहे चीते।